तो आज हम एक नया मेथड सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? दो फंक्शन है बेटा, एफ एक्स एंड जी एक्स, और वो आपको मल्टीप्लाई में दिए हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपने इसको ड्राइव करना है तो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास ये मेथड होना चाहिए, ये मैंने आपको मेथड बताया। इसको पढ़ते कैसे हैं फिर से देखें, कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मैंने कहा इन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो एफ एक्स एज इट इज आपने लिख दिया हुआ, मल्टीप्लाई बाई ये जो यहां पे पॉइंट है दैट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन यहां पे क्या था जी, तो उसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया हुआ है। फिर आगे क्या है? माइनस, फिर इंटीग्रल है, इंटीग्रल इस सभी का है। इस इंटीग्रल में क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन था एफ एक्स उसका डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई वाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स मल्टीप्लाई बाई कोज एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स। अब यहां पे देखिए जो एक्स कोज एक्स है हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी हमारा जो पीछे फार्मूला है वो क्या है? ये फार्मूला अभी हमने किया, क्या किया? दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में गिवन है, यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो इसे, ये मान लो सेकंड फंक्शन है। ठीक है, हमने इसे इंटीग्रेट करना है बेटा। तो इंटीग्रेशन क्या कहती है? बाई पार्ट्स वाला फार्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहां पे फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? एक्स, मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड यहां पे कौन है? कोज एक्स डी एक्स। आगे बेटा इंटीग्रल एफ डैश एक्स, मतलब जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं, चलो फिलहाल हम यहां पे लिख लेते हैं। आगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहां पे ये ब्रैकेट है और ये डी एक्स है। तो यहां तक समझ आ गया? ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने यहां लगा दिया, इसका आंसर फाइंड करते हैं। क्या आ गया जी? एक्स, हाँ जी, कोज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, आगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी एक्स वन, कोज एक्स का इंटीग्रेशन कितने
तो यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोज एक्स, तो ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ पे आप प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, बाई पार्ट्स। अब देखो एक चीज़ आपने यहाँ नोट की कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दिया था, मैंने ना पहले को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड को सेकंड फंक्शन मान लिया, बट अगर मैं ऐसे करूँ इस क्वेश्चन को, अब मैंने कोज एक्स को फर्स्ट मान लिया और एक्स को सेकंड मान लिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं इसी फार्मूले से, तो करें एफ एक्स एज इट इज, यहां पे एज इट इज कौन बेटा, और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई इनटू इंटीग्रेशन जी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहां पे लिख दिया डी वाई डी एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई वाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और यहां पे डी एक्स। तो हमने जो ये हमारे पास फार्मूला था मैंने अप्लाई कर दिया। आंसर देखते हैं, कोज एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू, आगे माइनस इंटीग्रेशन कोज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स की माइनस साइन एक्स, आगे आगे क्या ये सॉल्व हुआ? क्या सॉल्व हुआ? कहाँ हुआ सॉल्व? ये तो इंटीग्रेशन अभी यहाँ पड़ी हुई है। इसमें अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिया है तो मेरा सॉल्व है, देखो कहाँ इंटीग्रेशन, इसमें एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन सॉल्व है, यहाँ पे कहाँ सॉल्व है, अभी इसे दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपका जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को आपको मानना पड़ेगा, फिर आगे ये कंटिन्यू होगा। तो इन दोनों में फर्क क्यों आया? ये फर्क क्यों आया? इनकी सिलेक्शन पे। अगर मैं x को फर्स्ट फंक्शन मानता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा आसानी से, लेकिन अगर मैं cos x को पहला फर्स्ट फंक्शन मानता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करना, आप कितनी सिंपली सिंपली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन। आपने फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन आपने किसे मानना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो जब भी हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है तो हमें सिलेक्शन करने पड़ेगी कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा। तो चलिए अब देखते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, तो रूल टू चूज फर्स्ट फंक्शन, आपने क्या रूल है, कैसे आपने सेलेक्ट करना है, वो क्या रूल है
कि आपको जब दो फंक्शन गिवन होंगे उसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है ILATE, आई लेट। इसका क्या मीनिंग है? आई का मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई का मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कैसे होते हैं वो? टैन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और को ले लो, सपोज करो कोज इनवर्स, इस टाइप के आपके पास फंक्शन होंगे। सेकेंड फंक्शन आपको मिल सकता है लॉगरिथम, लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, या कोई लॉग थ्री एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, इस टाइप के फंक्शन आपको जब मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेकेंड एक्स, इस टाइप के फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होते हैं? ई की पावर एक्स, ई की पावर टू एक्स, इस टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है? ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में आपने याद रखना है, और इसी ऑर्डर में अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है जो फर्स्ट में आई और एल है, ये दो फंक्शन मिलते हैं आपको, तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? आई इनवर्स, मतलब इसी ऑर्डर में आपके फर्स्ट सेकंड फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं लॉग एक्स और दूसरा फंक्शन ले लेता हूं कॉज एक्स। अब ये दो फंक्शन इसे हमने इंटीग्रेट करना बेटा, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? आप आई लेट को याद रखेंगे, लेट मीन लॉगरिथम पहले आया और कॉज एक्स टी बाद में आया, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन बेटा एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। और ले लेते हैं एक्स ई की पावर एक्स, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा? एक्स, क्योंकि अलजेब्रिक ए पहले आया ई बाद में आ रहा है, ए पहले आ रहा, तो ये फर्स्ट फंक्शन। और ये कोई और ले लेते हैं टैन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स, चलिए ये इनवर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। कोई और? हम ऐसा करते हैं कि एक साइन एक्स ले लेते हैं और एक एक्स ले लेते हैं, कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन? आई लेट, तो ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री बाद में, ए पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, तो ए पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये second. आप इसे ऐसे लिखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे इसको, इसे चेंज कर देंगे आगे पीछे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया कि हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो हमने पहले सिलेक्शन करनी है, चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, तो आपने इस मेथड से चूज करना है। ठीक है, तो चले फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो 7.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है कि x मल्टीप्लाई बाई साइन 3x dx, दो फंक्शन हैं। चलिए इस क्वेश्चन से करने से पहले एक चीज़ और, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको थोड़ी याद रख लें कि आपने देखा जब हमने इंटीग्रेशन किया ना तो प्लस c नहीं लगाया किसमें, जब हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन की थी, सेकंड में लगाया फर्स्ट में लगाया, तो वो इसमें थोड़ा सा नोट रखना है कि उसे हम वहाँ पे सी नहीं लगा रहे, क्योंकि बाद में हमारा जो है वो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मतलब जी हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि जैसे हम दो फंक्शन ले रहे हैं प्रोडक्ट में, तो हर एक फंक्शन जो यहाँ पे बाय पार्ट से हम हर एक फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते,
लेकिन आपको जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बीजाणुता दिस कोर्स को हम कहेंगे, अगर हायर क्लासेस की बात करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इंटीग्रेट आसानी से ना पाएँ, मतलब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शनल केस में भी देयर। और बाकी तीसरा सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलो फिर, नहीं वो आपको, क्योंकि आपको, क्योंकि प्लस टू लेवल है तो आपको उस लेवल से ही आता है वो क्वेश्चन। वैसे भी उसमें जो क्वेश्चन, जो आपको अगर प्लस टू लेवल, प्लस वन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो आपको क्वेश्चन ऐसा ही डालेगा कि आपको आ जाएगा, लेकिन होंगे कॉम्प्लिकेटेड, होंगे थोड़े से ट्विस्टिंग, सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलिए ये इसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमने किसे चूज करना है। तो आई लेट, आपने ये याद रखना, आई लेट। चलिए, तो इसमें अब अल्जैब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अल्जैब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। और चलिए ये फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या कह रहा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, आगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, और दिस इज डी वाई डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स अगेन डी एक्स। क्या आ गया, एक्स साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस थ्री एक्स और अपॉन, क्योंकि ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव इसके अपॉन में आएगा, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है, आपके पास जो इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड, वो साइन एक्स की है, ना कि साइन थ्री एक्स की। तो अब यहां पे एंगल थ्री एक्स है तो अपॉन में थ्री, आगे देखिए माइनस इंटीग्रेशन वन माइनस अब यहाँ बात कर रहा था, आपने इसे इंटीग्रेट किया, यहाँ पे अंदर c आना चाहिए था। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा है, तो ये इसमें लिमिटेशन है कि इसमें हम नहीं लिख रहे हैं। और नेक्स्ट माइनस x cos 3x, आप 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, और यह देखिए माइनस माइनस वन बाई थ्री यहाँ आएगा, कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो इस फार्मूले से, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है। दूसरा हमें ये सेकंड आई लेट याद रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे हम आप बोल रहे हैं आप कांस्टेंट नहीं लगा सकते, तो हम कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे प्लस के कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मतलब क्यों नहीं कर रहे इसका। जब हम यहाँ पे, अगर मैं सी लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके मैं सी लिखता हूँ, तो मुझे ये सी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये तो सबका है। ये तो सबका आ गया, तो जब इंटीग्रेशन किया तो प्लस यहां पे भी आएगा, लेकिन इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम नहीं कर रहे हैं यहां पे, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, तो अब मैंने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ले लिया है, तो फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो चलिए करें, स्टार्ट करें
तो आई लेट लिखने लिखने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आप हमारे पास अलजैब्रिक और लॉगरिथम है, क्या है, एक अलजैब्रिक है और एक लॉगरिथम है। तो अलजैब्रिक और लॉगरिथम, ये तो लॉगरिथम पहले आएगा। तो यहाँ पे आप लॉग एक्स पहले लिख लें और एक्स स्क्वायर बाद में लिख लें, और दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड। ठीक है, तो चले करें इंटीग्रेट। हाँ जी, लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन टू कैसे आ गया, हमने तो अभी तो हमने लिखा है, आगे माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ हाँ जी लॉग एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री। हाँ जी, एक एक्स और एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो माइनस वन बाई थ्री और क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ये कितना आ गया, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें, नाइन आ गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर आप जो फंक्शन है अगर वो चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर जो है सॉल्व हो भी सकता है, हो भी सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हमने उन फार्मूलों को आई लेट को याद रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो आई लेट, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक आपको अलजेब्रिक गिवन है और एक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, नहीं है दिस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे आई पहले और ए बाद में, जिसका मतलब जो टैन इनवर्स एक्स है ये आपका फर्स्ट फंक्शन और एक्स आपका सेकंड फंक्शन। हाँ जी, टैन इनवर्स एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये डीएक्स जो है इसके लिए आप चाहे यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्या आ गई टैन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बेटा माइनस इंटीग्रेशन टैन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखें जी, टैन इनवर्स एक्स और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहां पे माइनस वन अपॉन टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना, अभी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसे सॉल्व करना है। अब ध्यान दे कैसे करेंगे, हमारा मेथड है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, ये जो यहाँ पे इंटीग्रेंट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों नहीं प्रॉपर, इसकी डिग्री कितनी है,
तो इसकी डिग्री कितनी है, तो ये बराबर है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड क्या है, डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे पहले हमारा यही काम है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बिना डिवीजन के भी काम चल पड़ेगा, मतलब डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो ये अपने आप उस फॉर्म में चला जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना यार, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, ये तो सॉल्व है आपका। यहां देखिए, 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1-1 मैंने किया है, और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मैंने रहने दिया, और यहां पे डी एक्स है। क्या किया मैंने, मैंने एक 1 ऐड किया, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, जब मैं इस टर्म को लूंगा, इसके अपॉन लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आगे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो क्या ये पार्श प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी? या आप डिवाइड कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिया, तो आपके पास बना क्या, देखो मैं इसे ना I1 ले रहा हूँ, ठीक है, इसे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जो बाद में लिखेंगे, मेरे पास जगह थोड़ी कमी है। तो यहाँ पे आपके पास है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1-1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये है ना आपके पास, यही है ना, इसे सॉल्व करना हमने। क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ, ये टर्म इकट्ठी कर दी, ये सेम है, कैंसिल होगी, कितना आ गया 1 dx, आगे और क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, और इसका क्या आंसर आ गया, dx का इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, क्यों, ये है एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, फार्मूला हमारे पास प्लस c, तो ये आप यहाँ पे फाइनल लिख दें, ये आ गया जी tan इनवर्स x, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 1/2 है सबके साथ, तो सबके साथ 1/2 लगाना पड़ेगा, आगे ये एक्स में लिखा ही नहीं, चलो आके ए लिख दो अब, ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, सेम है, टेन वर्स एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2-1/2, इसको सिंपलीफाई कर लेना आपने। तो अब आपको समझ आया कि ये तो ये यहाँ पे तो पिछला ही मेथड था कि हमने इसे इंटीग्रेट करना, हम पहले कर चुके हैं कि हमारे पास जब पावर जो है, डिग्री जो है वो सेम होगी, तो हमें लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करके उसका जो है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, हमने तो यहाँ कुछ नहीं किया, हमने तो ये प्रोडक्ट रूल लगाया, बाकी तो पिछला आपका चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो एक टॉपिक इसमें और बचता है, वो हम कल करेंगे, तो इसके बेस के ऊपर आपने क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं।